मैनेजर है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल फाइव सेंसेस, एक टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की जाए चुस्त दुरुस्त। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल हैंड वॉश डे पर हाथ धुलकर आमजन को दिया संदेश। वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर मंडलायुक्त ने हाथ धुलकर दिया संदेश, कहा इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर तमाम संक्रमित रोगों को भगाएं। ग्लोबल हैंड वॉश डे पर जिलाधिकारी ने धुले हाथ, कहा कई बीमारियों से बचाव में कारगर है ये उपाय। सीडीओ ने वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर धुला हाथ, कहा प्रतिदिन अच्छी तरीके से हाथों को धुलकर हम कई बीमारियों को रख सकते हैं दूर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि उत्पादन आयुक्त ने मंडली गोष्ठी में संबंधित अधिकारियों से कहा कि कृषकों की आय दुगनी करने के लिए किए जाएं विभिन्न उपाय। शाहपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र में जहर खुरानी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एसडीएम सदर समेत अन्य अधिकारियों ने शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किया भ्रमण। शाहपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 180 पेटी हरियाणा निर्मित शराब व लोडर टेम्पो को किया बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि उत्पादन आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ रबी उत्पादकता विषय पर की गोष्ठी। वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर सीएमओ ने कर्मचारियों व अधिकारियों को बताए हाथ धुलने के फायदे। त्योहारों के मद्देनजर नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम टीम ने चलाया विशेष सफाई अभियान। ग्लोबल हैंड वॉश डे पर विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर में अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में कर्मचारियों व अधिकारियों ने धुले हाथ। परिवर्तन दल ने कोतवाली थाना क्षेत्र के खान ब्रदर्स से लगभग 80 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन किया जब्त, लगाया जुर्माना। सपा कार्यकर्ताओं ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना को लेकर मुबारक खां शहीद की मजार पर की चादरपोशी। और दवा व्यवसाय से जुड़े विभिन्न समस्याओं के संबंध में दवा विक्रेता समिति के सदस्यों ने मंडलायुक्त से की मुलाकात, सौंपा पत्रक। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मंडलायुक्त सभागार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी पर्व और महिला सशक्तिकरण विषय पर चर्चा की और कहा कि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे नवरात्र से अगले चैत्र नवमी तक 180 दिनों तक महिला सशक्तिकरण किया जाएगा। इस सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को उचित सम्मान के साथ ही आगामी त्यौहार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों में रहकर सुरक्षित मनाया जाए और किसी भी प्रकार के आयोजनों को सार्वजनिक स्थलों पर ना होने दिया जाए। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने वाले लोगों के साथ कड़ाई के साथ निपटा जाए और लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति लगातार जागरूक किया जाए। इस दौरान एडीजी जोन दावा शेरपा, डीआईजी रेंज राजेश डिमोदक राव, मंडलायुक्त जयंत नरलेकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्त, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त अजय कांत सैनी, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो ये 180 दिन का जो ये 17 तारीख से यानी नवरात्र के पहले दिन से शुरू होकर इसका प्रथम फेज या प्रथम चरण 25 तारीख तक जो है दसवीं तक, उस बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मात्र 80 दिन होगा रामनवमी तक, वहां तक जो है ये खत्म होगा। तो ये 100 लड़के हो, लड़कियां हो, बच्चे हो, सभी पर टारगेट है जो कि महिला सुरक्षा है। तो ये अभियान का पार्ट जब इनकी चुनावी में प्रत्येक शहरी निकाय के प्रत्येक वार्ड में
और पूरे प्रदेश में 1535 थाने हैं, उनमें जो है ये कार्य यथासंभव शुरू करना है। 7 जनपदों को छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ बलरामपुर जनपद में करेंगे 11 बजे दिन में और 10:30 बजे दिन में, और यहाँ लखनऊ में महिला और सेफ सिटी कार्यक्रम के कॉम्पोनेंट का इस पूरे कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर पूरा कार्यक्रम जो चलेगा वो इसलिए होगा। दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला समिति का जो भी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी अनुमति देंगे वो इस शर्त के साथ देंगे कि महिलाओं के संदर्भ में जन जागरण का जो ये सुरक्षा का अभियान है जो उनकी जो ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद हाथ धुलकर आम जन में यह संदेश दिया कि यदि हम इस प्रथा को अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। वर्ल्ड हैंड वॉश डे के अवसर पर गुरुवार को गोरखपुर में भी मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय पर जिले के उच्च अधिकारियों के साथ हाथ धोए और सभी को यह संदेश दिया कि हैंड वॉश डे पर ही हाथ ना धोएं बल्कि इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर तमाम संक्रमित बीमारियों से दूर रहें। और ये भी मैसेज दीजिए कि हाथ धोना कितनी दूर है, देर है, कम से कम 35 से 40 सेकेंड धोया जाना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नर्लेकर ने बताया, हर एक घंटे में मिनिमम घंटे में एक बार हाथ धोना चाहिए, उससे पहले ये आदत मुझे अपनी डालनी चाहिए और जब मैं खुद आदत बदल पाऊंगा तभी दूसरे को सिखा पाऊंगा और उसको याद कराने में ये आदत में एक परिवर्तन लाने में आज के इस दिवस का बहुत महत्व है। सरकार के निर्देश हैं कि आज 10 से 12 बजे के बीच में सभी अधिकारी एक ये मैसेज दें स्वयं इसको प्रदर्शित करते हुए, लेकिन आज के दिन में सिर्फ ये मैसेज ही नहीं देना है, आज के दिन से हमें इंश्योर करना है कि हमारे आसपास जितने लोग हैं कम से कम एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को ये आदत सिखाए, और मुझे लगता है यदि एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को सिखाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें ऐसे दिवसों का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। एटीट्यूडल चेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सारे संक्रमणों पर हम रोक लगा सकेंगे, और ये जो हैंड वॉशिंग डे है पूर्वांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्वांचल की धरती में इंसेफ्लाइटिस की वजह से इसका जो संक्रमण था उसके प्रकोप की वजह से कई मासूमों की जानें गई हैं। आशा करते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप एक बहुत सशक्त माध्यम हैं, आपके माध्यम से जनमानस को ये जो कमिश्नरी की करीब 1,60,00,000 जनसंख्या है इसको ये मैसेज जाएगा कि हम प्रत्येक घंटा साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। अच्छे से हाथ धोने का मतलब है 30 से 35 सेकेंड मिनिमम हाथ धोना चाहिए, 40 सेकेंड तक धोना चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका नल है टैप है उसको भी डीकंटामिनेट करें, उसको भी साफ करते रहें जिससे कि हम डीकंटामिनेशन और संक्रमण से बच सकें। शासनादेश के अनुसार ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने अपने आवास पर हाथ धुलकर मौजूद कर्मचारियों व अधिकारियों को हैंड वॉश के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी सहित अन्य गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए हमें हैंड वॉश को अपनी दिनचर्या में अपनाना होगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, वॉश डे है, इससे कोरोना से सीधी संबंध है, आप जानते हैं वैसे कोरोना का जो अंदर जाने का रास्ता इम्पॉर्टेंट रास्ता तो हम लोग का नाक और मुंह है, उसका अंदर जाने का इम्पॉर्टेंट रास्ता है हाथ। जो हाथ यदि ढंग से हम साफ नहीं करते हैं, नहीं धोते, वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले भी हर साल इसको प्रचार प्रसार कराते हैं, लेकिन केवल कोविड नहीं है, उसके अलावा
करीब तो 90 बीमारियां उसी से दूर होता है, डायरिया, डिसेंट्री, नॉर्मल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सारे चीज इसी का हम लोग जनता के बीच में ले जाना है। वैसे आप जानते हैं पिछले 8 महीने से हम लोग जंग लड़ रहे हैं, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट अहम रोल ये सफाई का, खासतौर पर हाथ सफाई में होता है। इसलिए आज तो हैंडवाश डे के रूप से मना रहे हैं पूरे प्रदेश में। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में सारे सरकारी महकमा में होगा, सारे स्कूल, इंस्टीट्यूशन और NGO, कहाँ कहाँ जो संगठित जो लोग हैं जोड़ सकते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जोड़ते हुए एक अभियान के तौर से हम चला रहे हैं। मंडलायुक्त कार्यालय पर CDO इंद्रजीत सिंह ने हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धुलकर कहा कि कम से कम 30 से 40 सेकेंड हाथों को अच्छी तरीके से यदि दिन में कई बार धुला जाए तो कई संक्रमित बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी और हम सभी स्वस्थ रहेंगे। क्या चाहते हैं? पानी भी गर्म टंकी का होगा, चूल्हा के डाला गया है पानी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया, यही कहना है कि हमें स्वच्छता पे और हाथों की स्वच्छता पे हमेशा ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोरोना काल में तो ये बहुत मास्क और जो हाथों की स्वच्छता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना की लड़ाई में। तो सारे हमारे जो नागरिक हैं, हमारे भाई बहन, सबसे भाई बहनों से यही गुजारिश है कि इसको अपनाएं और स्वच्छ जीवन, हेल्दी जीवन को अपनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने 6 मंडलों में मंडल स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी की। इसी क्रम में मंडलायुक्त सभागार में गोरखपुर मंडल में गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। कृषकों की आय दुगुनी करने के लिए सभी उपायों तथा कृषि विविधीकरण, कृषि यंत्रीकरण, नवीन वैज्ञानिक पद्धति आदि को अपनाना होगा तथा मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कृषक करें, जिससे मृदा स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। गोष्ठी में मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और दूसरी बात है सर, जो जनपद श्रावस्ती के परिवर्तन देखा था वे एकदम से केंद्र पर डाउन हुए थे और हमें ग्रह के चलाने के बाद बहुत सख्ती करनी पड़ रही है जिससे कि वास्तव में खड़ी हो। आपको कोई शुरू करना है कि जहाँ जहाँ शुरू हो गई है वहाँ पर कहीं भी डिस्ट्रेस से जैसी बात ना है और 1868 है उसको मिलेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ की देखरेख में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर सुधीर सिंह व STF प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर जहर खुरानी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह कैंट, गिडा, बांसगांव, गगहा तथा अन्य जिलों में लोगों को जहर खुरानी का शिकार बनाकर उनसे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 अदद 312 बोर का अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 490 अवैध मादक पदार्थ की गोली, लूट के 11 मोबाइल व जेवर
को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बताया। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जहर खुराने की घटनाएं हो रही थी। जो गिरोह घटना में काम कर रहा था उसमें से एक गिरोह हम लोगों को पकड़ में आया है। उसमें चार घटनाएं वर्कआउट हुई है। दो थाना कैंट की है, एक बांस गाँव की और गीडा की है। इस गिरोह ने चार घटनाएँ कबूल करी है। इस गिरोह के तीन मेम्बर है, पंकज निषाद, अखिलेश पासवान और राम अवतार निषाद। ये तीनों आजमगढ़ के रहने वाले हैं और यह भी पता लगा है कि इनके गांव में कई लोग ऐसे हैं जो जहरखुरान हैं और जहरखुराने की कंटिन्यूस घटनाएं कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ और शाहपुर की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। इन पर 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, 307 के, 419-20 के, 467-68 के और NDPS एक्ट के विभिन्न मुकदमे और आर्म्स एक्ट के विभिन्न मुकदमे इस पर पंजीकृत किए गए हैं। अनावरण हुए मुकदमे 4 है, जिसमें चारों जहरखुरानी घटनाएं हैं जो हाल ही में हुई है। यह एक बड़ा गिरोह है और इस गिरोह ने कंटिन्यूस जहरखुरानी घटनाएं की थी और गोरखपुर को इन्होंने टारगेट बना रखा था। इसी हमारी टीम और एसटीएफ की टीम कंटिन्यूस लगी हुई थी। एसटीएफ और हमारी टीम के संयुक्त प्रयासों से यह घटनाएं वर्कआउट हुई है और ये तीनों लोग जेल जा रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण अधिकतर गाड़ियां सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़ी होती हैं, जिससे आम जन को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए मंडलायुक्त जयंत नलकर के निर्देशन पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन के निर्देश पर SDM सदर गौरव सिंह सुगरवाल, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने सिनेमा रोड पर स्थित RFC कंपाउंड, स्टेशन रोड पर पुलिस अधीक्षक रेलवे कार्यालय, काजी हाउस, सीतापुर आई हॉस्पिटल, DIOS ऑफिस मजार के पास समेत कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण कर पार्किंग की संभावनाओं को तलाशा। सर ये एल होगा। ये बहुत अच्छा, उनको जगह हम देंगे। शाही मार्केट है ये वाला, शाही मार्केट है। इसने पूरी मार्केट दिया है, यहाँ पे दुकानदारों की भी काफी प्रॉब्लम है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने बताया। और परम आदरणीय जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर सर ने हम लोगों को एक टीम बना के नगर आयुक्त साहब को, एसपी ट्रैफिक साहब को, मुझे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को और आरटीओ के साथ शहर के उन सरकारी जमीन को देखने के लिए, सर्वे करने के लिए निर्देशित किया है जहां पर पार्किंग दुकानदारों के व्हीकल के लिए और उनके कस्टमर के व्हीकल के लिए व्यवस्था की जा सके। पार्किंग ये कई जगह है, एक वीनस टॉकीज के पास है, एक एसपीआरपीएफ के ऑफिस के पास है, एक काजी कंपनी के पास है, एक बिस्मिल पार्क के बगल में है, एक सीतापुर हाई हॉस्पिटल के बगल में है, एक एसएसपी साहब के बंगले के सामने है, एक ईश्वर चंद्र जगह है अम्बेडकर चौराहे के पहले वहाँ पर है और एक डीआईएस स्कूल के सामने है। तो इन पार्किंग को अभी प्राइमरीली देखा गया है और इनको डेवलप करने के लिए प्रयास जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में डीजीपी महोदय के अभियान के तहत अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री के रोकथाम के आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में मुखबिर की सूचना पर शाहपुर थाना प्रभारी सुधीर सिंह द्वारा अवैध शराब के धंधे में लिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने गोदाम में रखे हुए लगभग 180 पेटी कुल 8,640 बोतल हरियाणा निर्मित शराब व लोडर टेम्पो को भी बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बताया, यह शराब यहां लाने के बाद ये सेल इन हरियाणा की जगह फॉर सेल इन यूपी के स्टिकर चिपका करके इसको बेचते थे ताकि किसी को पता ना लगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राजेश कुमार निषाद पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है और हरियाणा से शराब ला के बेचने में पहले भी जेल जा चुका है। हम लोग इनको दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इस शराब की जो कीमत है अनुमानित वो लगभग 4.5 लाख रुपये है। इनका नेटवर्क कहाँ तक है? यह नेटवर्क गोरखपुर और आसपास जनपदों में भी ये लोग शराब की सप्लाई करते थे। इसके नेटवर्क को पूरी तरह निस्तनाबूद करने के लिए भी हमने टीम लगाई है जो हमारी शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की है कि इनके साथी और कौन कौन है। हमें टिप मिली थी त्रिभुवन जब जेल गया था उसका जो साथी था वो भी इसी हरियाणा की शराब में पहले जेल जा चुका था। जो राजेश निषाद है वो भी दीपक नोमानी के साथ पहले जेल जा चुका है। उसके आधार पर हमने जब काम करना शुरू किया तो हमारी टीम को सफलता मिली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ मंडल स्तरीय रवि उत्पादकता विषय पर गोष्ठी की। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि रबी की फसल की उपज को और बढ़ावा देने की जरूरत है। वहीं किसानों को रबी की फसल लगाने के लिए जागरूक किया जाए और रबी की फसल से होने वाले लाभ के बारे में किसानों को बताया जाए। गोष्ठी में जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, जिला उत्पादन ग्राम बलजीत सिंह, सहायक निदेशक एके शुक्ला, भूमि संरक्षण अधिकारी अजीत मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम सोमानी का गीजर, जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9939359081। एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, दो गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरे सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। चौथी बात सेहत की, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार वर्ल्ड हैंड वॉश डे के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी के नेतृत्व में अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति में हाथ धोने की विधि को बताया गया। हाथ धोने के सभी फायदों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान डॉक्टर के एन बर्नवाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। और उसके बाद हमारा ये अंगूठा जो होता है, इनकी क्रीविसेज में बड़ी गंदगी होती है, इसको हम रब करके साफ करते हैं। और फिर हमारे नेल्स, पहले तो नेल्स ट्रिम होने चाहिए, कटे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। दूसरे, इन नेल्स को गदोरी में रगड़ रगड़ के, ऐसे पांचों उंगलियों करके रगड़ रगड़ के दोनों नेल्स की सफाई करते हैं। और लास्ट में हम अपनी कलाई की सफाई करते हैं। इसके बाद हम ये पूरा प्रक्रिया करने के बाद हाथ धो लेते हैं। और अगर आपको कुछ प्रोसीजर करना है तो इसको एयर ड्राई करिए, किसी चीज़ से नहीं वो करिए। अगर आपको प्रोसीजर नहीं करना है तो टिश्यू पेपर या साफ तौलिया रुमाल से आप कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे करके सुखा लीजिए। सच कह रहे हैं, तुरंत जो है हाथ धोने की इस प्रक्रिया को अपनाएं, तमाम बीमारियों से हम बच सकते हैं। 15 अक्टूबर को हम 20 हैंड वॉश डे के रूप में मनाते हैं और इस दिन जो है हम हाथ धोने के तरीके पर चर्चा करते हैं। इस बार का थीम भी है कि स्वच्छ हाथ सबके लिए, इसी पर हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे और एक हैंड वॉश का तरीका भी समझाएंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हाथ में किसी तरह का अगर रिंग होगा, यहाँ से साफ कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले इसके तरीके हैं जो सुमन के स्टाइल में हम इसको जो है धुलते हैं, इसका तरीका है। अब आप देखें कैसे मैं जो है हाथ धुल रहा हूँ। साफ कपड़े या तौलिया से अपने हाथों को सुखाना है, अन्यथा इसको थोड़ी देर के लिए इसे हवा में छोड़ दें, अपने आप हमारा हाथ स्वच्छ हो जाएगा। विशेष रूप से हमें शौच के बाद खाना खाने से पहले। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया
वर्ल्ड हैंड वॉश डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत हम लोग एवं अन्य सभी विभाग अपने कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है, और ख़ास करके इस कोरोना संक्रमण काल में। तो उसी क्रम में आज मेरे पूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे छोटे छोटे जो एडिशनल PSCs हैं वहाँ पे इसका डेमो कराया जाएगा, और हमारी टीमें जो गांव में भ्रमण कर रही हैं दस्तक अभियान में, वो घरों पे भी इसका एक तरह से डेमो करेंगी कि हाथ कैसे धोना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। हाथ साफ रहे या आप बार बार हाथ धोएँ, तो एक तो गंदगी मुँह पर नहीं जाती है, और कोरोना में तो आंख नाक मुंह छूने से पहले हाथ अवश्य धोना चाहिए, उसके पहले छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सांस के नली से, मुंह से और आंख से ही कोरोना आपके अंदर जाता है। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने आगामी दुर्गा पूजा, नवरात्रि एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए गोलघर मार्केट में विशेष सफाई अभियान के तहत साफ सफाई और दवा का छिड़काव कराया। यह अभियान 16 अक्टूबर तक लगातार चलाएगा। इस दौरान उप नगर आयुक्त DK सिन्हा, उप सभापति अजय राय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया, अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक महानगर में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ दस्तक अभियान भी चलाया जा रहा है 1 अक्टूबर से लेकर, और त्योहारों का भी आगमन हो रहा है, नवरात्रि है और उसके आगे दुर्गा पूजा वगैरह। तो इन सबको लेकर 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलने वाले अभियान के क्रम में ही आज गोलघर में एक रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य यह था कि लोगों को जागरूक किया जाए। अभी हम कोविड से भी लड़ रहे हैं, इसके लिए भी स्वच्छता बहुत आवश्यक है। साथ ही सैनिटाइजेशन कराया गया पूरे क्षेत्र का। लोगों से अनुरोध किया गया कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क ज़रूर लगाएं, जब तक कोविड से हमारी लड़ाई चल रही है। साथ ही साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, अपने आसपास स्वच्छता रखें, और यदि कहीं गंदगी दिखाई देती है तो नगर निगम को सूचित करें। कुल मिलाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का और कोविड से ठीक ढंग से लड़ने का यह अभियान चलाया गया। ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी राज्य कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वह सभी अपने कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथ धोएं। इसी क्रम में बिजली विभाग के विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर में अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम के नेतृत्व में बिजली विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथ धुले और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की शपथ भी ली। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया। देखिए, विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर आज जो है
इसका विद्युत नगरी वितरण खंड सेकंड के कार्यालय में समस्त कर्मचारियों को, उपभोक्ताओं को और चिर परिचितों को, सभी लोगों को बुला करके जो है सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर जो है सबको हाथ धुलवाया गया और उसको प्रॉपर ढंग से हाथ धुलने के तरीकों को बताया गया, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी के जो वायरस है उसको जो है उसको हरा करके हम लोग जो है स्वस्थ और स्वस्थ जीवन जीत सकें। जो है नगर निगम द्वारा गठित परिवर्तन दल द्वारा लगातार प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र के चौरैया गोला स्थित खान ब्रदर्स के नाम से पॉलिथीन विक्रय करने वाले दुकान से परिवर्तन दल की टीम ने लगभग 80 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त किया है। वहीं दुकान मालिक सदरे आलम के ऊपर 18,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसे वसूलने का काम भी किया। चलिए हम आपको वही बता रहे हैं ना कि जाना जब नहिया में कब, अरे एक तो अनाथ लड़की भी उसको एक साथ अपने वहाँ रखे थे, एक हफ्ता पहले भाग गई। हाँ जा रहा हूँ सर, गाड़ी आ रहा हूँ। वो पर्ची कहाँ जो उसका कहाँ का है क्या है वो दो महीने बोलो जी, उसका कितना लगा है? 18,000। मीडिया से बात करते हुए परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, रात में टीम लगी थी, 3 बजे सूचना थी ट्रक की, तो उस ट्रक के चक्कर में हम लोग करीब 3 बजे से हमारी टीम नौसर से लेकर गीडा के बीच में हमने अपनी टीम को लगाया हुआ था, तो किसी तरह वो ट्रक हमारे हाथ से स्लिप हो गया। अब वो ट्रक सामान यहाँ से लेके जाना था बिहार, तो वो रास्ते में कहाँ से वो ट्रक जो समय सीमा 4 बजे की थी, तो उस बीच में आया नहीं। अब ट्रक पीछे कहाँ उसने रोक लिया, तो उस चक्कर के बाद हम लोगों ने फिर और को ढूंढना स्टार्ट किया, तो उसी बीच में ये करीब 6:30 बजे इस लड़के को हमारी टीम ने पकड़ा। और ये कोई खान ब्रदर्स हैं जो अपने गोरखपुर में हैं, जो काफ़ी बड़े, उनको भी उनके हम लोग छापा पहले भी मार चुके हैं, तो उनको भी हमने चालान किया, वहीं से इसने उठाया। रहने वाला कहीं भैतौली का है ये, बांस गांव के पास का, और ये वहाँ ले जाके बेचता है जैसा ही इसने स्टेटमेंट दिया है। तो करीब इसके पास से 75 किलो हमारी ये पॉलीथीन बरामद हुई है और उस पर 18,000 रुपये हमने जुर्माना लगाया, और बड़ी इसने मुश्किल से दिया, एक्चुअली 25,000 रुपये इसकी पेनल्टी बननी थी, और सुबह से इसको हम लोगों ने बैठा के रखा चौकी में, और ये बोलता कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इधर से ये बोलता रहा, तो आखिर तक करीब 2 बजे तक ये हमारे पास आया, बोला साहब मेरे पास 14,000 रुपये इकट्ठे हो पाए हैं, बाकी नहीं हो पाए। और इसके बाद फिर इसने कहीं और किसी से पैसे मंगा के 18,000 पूरे के, और जो पेनल्टी की राशि 25,000 बननी थी, ये बोला साहब हमें आप कुछ भी करें कहीं भी भेजें, अब हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो फिर मजबूरी में हम लोगों ने उसको 18,000 पेनल्टी लगाई। सपा संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के कोरोना संक्रमित होने की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दुख का माहौल व्याप्त हो गया। सपा संरक्षक के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए सपा जिला अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मुबारक खां शहीद की मजार पर चादर पोशी कर जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। यार ऐसे इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सपा नेता आफताब अहमद ने बताया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा
माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कल वह तबीयत उनकी ख़राब, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, आज उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजार पर पहुंचकर हम लोगों ने चादर चढ़ाया और उनके सेहत और सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। और आज उनकी सेहत पहले से कुछ बताया जा रहा है कि ठीक हैं, आज इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम करने का काम किया गया। और आज मुलायम सिंह यादव की बहुत बड़ी देन है कि समाजवादी पार्टी की एक पहचान है उनकी वजह से। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे व महामंत्री आलोक चौरसिया के नेतृत्व में दवा व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं के संबंध में दवा व्यवसायियों ने मंडलायुक्त जयंत नल्लिकर से मुलाकात कर उन्हें पत्रक सौंपा और उचित कार्रवाई का आग्रह किया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री ने ड्रग आयुक्त महोदय से लखनऊ में हमारी बैठक कराई थी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ यूपी से लखनऊ में हमारी बैठक कराई थी, स्वतः भी इसका संज्ञान लिया था। उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से बात की थी, पूर्व अतुल गर्ग जी से इस पर बात हुई है। तो ये विवेकाधीन मुद्दा है और आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है कि फार्मासिस्ट के नाम पर लाइसेंस निरस्त नहीं होंगे और न इस पर कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई होगी। इसको हम लोग धीरे धीरे एजुकेट भी कर रहे हैं अपने सारे व्यापारियों को, अपने घर में किसी न किसी को अगर दवा व्यवसाय चलाना है तो एक न किसी न किसी को एक फार्मेसी से डिग्री ज़रूर दिलाएं, किसी को पढ़ाएं। तो लोग लगे हुए हैं लेकिन फार्मेसी डिग्री मिलने कम से कम 4 साल लगेंगे, तो ये 4 साल का समय बड़ा पीड़ादायक है। तो शासन से यही है, चूँकि ये पुराने लोगों की गलतियाँ हैं जिसका खामियाजा अगर आज दुकानें बंद हुई तो फिर लाखों लोगों की दवा की ज़रूरत पूर्ति नहीं हो पाएगी। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।